मेरी आवाज स्पष्ट है तो आप लोगों तक, क्योंकि आज का मुख्य विषय जो है जिस पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं इत्तेफाक से, विषय का शीर्षक भी वही है। पिछली कक्षा में ही मैंने बताया था कि आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि भी मान लीजिए एक सिर्फ अंतर यहां पे देखने को मिल रहा है। बातचीत का माध्यम क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं और आप लोग अपनी बातों को मुझ तक इस चैट बॉक्स के माध्यम से लिखकर भेज रहे हो। तो यहां पे एक प्रश्न उठता है कि जो बातचीत की प्रक्रिया हम लोगों के बीच में चल रही है, तो इसके कई माध्यम हो सकते हैं, इसके लिए किन नियमों की आवश्यकता होती है। और जैसे ही इन विषयों पर मैं चर्चा कर रहा हूं तो आप लोगों के मन में अगला प्रश्न ही उठता होगा कि आज का विषय क्या है। तो जो भी चीजें अभी मान लीजिए आप लोगों के साथ मेरी हो रही है कि अभी मैं देख रहा हूं अभी तक अभी आप लोग कक्षा में आज सिर्फ 5-7 बच्चे ज्वाइन किए हो, तो इन 7 बच्चों के साथ मेरी क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे तक फिर उसके बाद समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने जवाब भी भेज रहे हैं। जैसे मैंने जैसे ही आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने सभी लोगों ने मुझे यहाँ चैट बॉक्स के माध्यम से गुड मॉर्निंग विश किया है। यानी यही है वार्तालाप, बातचीत। यहाँ माध्यम में सिर्फ अंतर यह हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग लिख कर मुझ तक भेज रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज और स्पष्ट हो गई होगी कि ये जो संवाद है मौखिक हो सकता है, आज आप लोग मेरे सामने उपस्थित होते तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते, बोलकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे होते, और दूसरा माध्यम होता है जो लिखकर जहां हम लोग प्रकट करते हैं। जैसे मैंने कहा और आप लोगों ने यहाँ पर लिखकर, जो मैं भी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि आप लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अर्थात मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। और एक माध्यम हम देखते हैं जहां पे इशारों में, संकेतों में बातचीत होती है, लेकिन क्या वास्तव में वो बातचीत है? नहीं। वहां क्या होता है, इशारे होते हैं, संकेत होते हैं, लेकिन संवाद लेखन जो आज आपका विषय है, क्या है विषय? संवाद लेखन। संवाद लेखन, तो संवाद का अर्थ क्या है, लेखन का अर्थ क्या है? तो संवाद का अर्थ है बातचीत, अर्थात वार्तालाप। मुझे लग रहा है कि अभी तक आप लोगों को बोर्ड स्पष्ट शायद नजर नहीं आ रहा है, मैं और नीचे लिख दे रहा हूं। तो संवाद लेखन, तो संवाद का अर्थ क्या है, बातचीत। संवाद का अर्थ क्या है, बातचीत, और लेखन का अर्थ क्या है, लिखना।
तो बातचीत कितने लोगों में कम से कम होगी, आप लोग मुझे उत्तर दो चैट बॉक्स के माध्यम से। अर्पित मेरा क्लास तो 10 बजे से ही है। तो पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो बातचीत जो है कम से कम कितने लोगों में होती है, चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताओ कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है बातचीत के लिए। मिनिमम 2 लोग, कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। अच्छा, क्या 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं? मेरा अगला प्रश्न है आप लोगों से, बातचीत में क्या 2 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं? यस सर, वेरी गुड। यानी 2 कम से कम लोग चाहिए। क्यों 2 चाहिए? अगर 2 लोग नहीं होंगे तो आपस में हम लोगों की बातचीत कैसे होगी? जब हम लोग अपनी भावनाओं को या अपनी बातों को प्रकट करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो दूसरे भी क्या करेंगे, उन बातों को सुनेंगे और प्रतिक्रिया स्वरूप या उत्तर कर ले, जो भी कह ले, हमें देंगे। इसीलिए संवाद के लिए कम से कम 2 लोग तो जरूर होने चाहिए, इससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पर सबसे दूसरी बात जो ध्यान देने की होती है कि संवाद जब भी हम करेंगे, यानी बातचीत वार्तालाप जब भी किसी से करेंगे, तो उसके लिए क्या है, कोई एक विषय चाहिए। जैसे पहला बिंदु आप लोगों ने बताया यहां पे कि 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए वहां पर बातचीत के लिए, ये उत्तर आप लोगों का सही था। दूसरा क्या है, क्या बिना किसी विषय के, मैं अनावश्यक बातों की बात नहीं कर रहा हूं, क्या 2 लोगों के बीच में बातचीत होती है? यानी किसी भी संवाद को कायम करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए किसी न किसी एक विषय की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु। तीसरा क्या है कि संवाद, चूंकि यहां पर आप लोग का ये लिखने का एक विषय है, तो संवाद क्या होता है कि उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि संवाद को खूब बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाता है। संवाद क्या होता है, छोटा या संक्षिप्त होना चाहिए, और भाषा जो है वो विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। अब नहीं कि हम लोग एक, मान लो कि वर्तमान में जिस शिक्षा पद्धति से हम लोग गुजर रहे हैं, या जिन शिक्षा पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, या जिन माध्यमों के माध्यम से हम लोग पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन क्लासेस, तब यहां पर क्या है कि अगर आज हमारा यह विषय है तो हम लोग का पूरा बातचीत का जो मुख्य बिंदु होगा वो यही होगा। हम लोग वहां कदापि या नहीं कहेंगे या कि मैंने ये स्थितियां हैं, ये बीमारी यहां से आई, गुड मॉर्निंग, यहां से आई राज, इतना देर क्यों, ये बीमारी यहां से आई, इन बीमारी के कारणों से ये नहीं, इतने विस्तार से हम लोग नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो थोड़ा सा संक्षेप में 1-2 पंक्तियों में कर लेंगे, क्योंकि संवाद के लिए क्या करना है कि सामान्यतः हम लोग देखोगे, आप लोग के अभ्यास पुस्तिका में भी है कि जब 2 व्यक्ति के उदाहरण के रूप में मैं लेता हूं कि दोनों तरफ से कि 5-5 कथन होने चाहिए। मान लो क 5 कह रहा है तो ख 5 कह रहा है। मान लो क का प्रश्न है कि वर्तमान में हम लोगों की जो पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए जो भी कृत्रिम माध्यम है या तकनीकी माध्यमों से हम लोग अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ख क्या कहेगा, हाँ मित्र तुम ठीक ही कह रहे हो, आज हम ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं जिसके कारण जिसके कारण
हमें इन माध्यमों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब देखो क्या हुआ, मैंने कहीं भी यहाँ पर ख के माध्यम से इस विषय को लेकर विस्तार से नहीं बताया। अब क अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, जैसे आप लोग घर में बैठे बैठे क्या हो रहा है, अच्छा तो नहीं लगता होगा। क कहेगा, क्या कहेगा कि हाँ मित्र। लेकिन विद्यालय में जाने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती थी, मित्रों से मिलना, अध्यापकों से आमने सामने बातचीत करना या किसी विषय को लेकर चर्चा करना, तो वहां पे जो एक सहजता या एक जो खुशी या विषयों को समझने में जो सुगमता होती थी, वैसा अनुभव नहीं हो पा रहा। देखो मैं खूब बड़ा वाक्य पे नहीं जा रहा हूं। ख कहेगा कि हाँ मित्र, मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस तरह करके दोनों की बातचीत हो रही है। तो दो दो कथन मैंने अभी बताया, उसके बाद फिर ख की प्रतिक्रिया के बाद फिर क कहेगा, फिर ख कहेगा, फिर क, फिर क, फिर क और फिर ख, यानी ऐसे पांच पांच कथन दोनों की तरफ से होंगे। लेकिन कोशिश होगी कि ये अंततः हम निष्कर्ष में चले जाए। इसके अलावा विषय कुछ और भी हो सकता है, मैंने ये उदाहरण के लिए एक विषय आप लोगों के सामने रखा था। और इसमें क्या है कि आप उतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है। औपचारिकता माने किसे कहते हैं हम लोग, थोड़ा सा याद करो आप लोग। पत्र लेखन मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिकता माने क्या होता है, वहां पे कई स्तरों पे हम लोगों ने देखा है कि सम्मानजनक शब्दों से लेकर लेखन की जो एक प्रक्रिया होती है उससे हमें गुजरना पड़ता है। यहाँ पे वैसे कोई नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सीधे विषय पर आ जाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करने में ही पूरा जो कथन है वो बढ़ता चला जाए, नहीं, या बातचीत बढ़ती चली जाए। यहाँ पे कोई उतनी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, कोई औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए विषय, और उस विषय पर ही हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उसी विषय पे हम लोग बातचीत भी करेंगे। आत्मीयता लाने के लिए क्या करना है, उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे मैंने मित्रों की बातचीत दिखाई, तो वहां पर क्या है कि देखो कोई भी विषय तभी रोचक होता है या उस विषय में रुचि ली जाती है जब उसी तरह का शैली का प्रयोग उसमें किया जाए जिससे पाठक वर्ग या श्रोता वर्ग जो भी है उसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद उससे आनंद की प्राप्ति हो या उस विषय के प्रति उसके मन में रुचि जागृत हो। इसके अलावा है कि पात्रों के जो हाव भाव है, विचार जो है, विभिन्न मुद्राओं आदि को क्या करना चाहिए, कोष्टक में लिख देना चाहिए। अब मान लो कि जैसे ही हम लोग ताजमहल को देखते हैं तो मुंह से क्या निकलता है, वाह। तो ये जैसे ही वाह निकल रहा है उसके बाद हम जो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दे रहे हैं, तो वो चिन्ह क्या इशारा कर देता है, किसको देखकर हम आश्चर्य हुए हैं। या इसके अलावा मान लो क्या है कि अब जब किसी बात को, मान लो कि मैं अभी तो आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हूं, या मान लो आप लोग मेरे सामने उपस्थित नहीं हो, तो आपके चेहरों पे जो विभिन्न प्रकार के भाव भंगिमाएं जो है क्या हो रहा, हम लोग एक दूसरे के नहीं देख पा रहे। लेकिन जब हम एक दूसरे की भाव भंगिमाओं को देखते हैं तो जब वास्तविक रूप में एक दूसरे के सामने सशरीर हम लोग एक दूसरे के सामने उपस्थित है तब देख सकते हैं। तो जब इसी को लेखन के माध्यम से गुजरेंगे तो क्या करेंगे हम, कि मान लो कि कहीं हमें क्रोध के भाव को दिखाना है, तब वहां क्या करेंगे, वहां कोष्टक में यानी जिसको ब्रैकेट कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें हम लोग लिखते हैं गुस्से से या क्रोध में या आवेश में। या मान लो जैसे क्या हुआ, आपने ये क्या किया, अब यहां आपने ये क्या किया, तो हम मान लो मैंने ये बोला तब समझ में आ जा रहा है कि आप एक क्रोध के भाव या गुस्सा का भाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं आपने ये क्या किया,
तो वहां क्या स्पष्ट होगा, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे क्रोध। तो वहां पे वो जो पंक्ति का जो प्रयोग किया जा रहा है, उन जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, यह स्पष्ट करेगा कि ये जो शब्दों का प्रयोग जो है, जो भी मैंने ख ख का उदाहरण लिया था, मान लो ख के द्वारा या क के द्वारा जो किया गया है वो क्रोध में किया गया या गुस्से में किया गया, ये तो हंसते हुए भी हो सकता है। अब क्या हुआ, आपने ये क्या कर दिया, अब देखो बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन लिख के भेजेंगे तो नहीं समझ में आएगा, या लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, वहां लिख दिया हंसते हुए कि आपने भी ऐसी गलती कर दी, अरे ये आपसे तो अपेक्षा नहीं थी। तो यहां पर क्या है, इसीलिए संवाद लेखन के समय ये ध्यान में रखना है कि वो जो पंक्ति का प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है वो क्रोध में है, दुख के साथ है, हंसी के साथ है, या किन स्थितियों में है, वो कोष्टक में हम लिख देंगे। अगला जो है पॉइंट है, जो मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, जिसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, विराम चिन्हों का प्रयोग। इसका प्रयोग जो है बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने बार बार बताया है कि पूर्ण विराम हो, अल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, योजक चिन्ह हो, या इकारा उद्धरण चिन्ह हो, दोहरा उद्धरण चिन्ह हो, सभी चिन्हों का प्रयोग जो है हमें सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग चिन्हों का प्रयोग फॉर्मल लेटर तो नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर चिन्हों का प्रयोग करना होगा। अब जैसे मान लो कि मैंने बताया कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जैसे हम कर देते हैं, तो वहां स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यहां पे आश्चर्य के भाव को प्रकट करने की कोशिश की गई है, आश्चर्य का भाव है। अब जैसे मैंने कहा कोष्टक में हम जैसे लिख देंगे क्रोध या शोक या दुख या हास्य, तो वहां पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वाक्य का प्रयोग या इन शब्दों का प्रयोग जो है इस संदर्भ में किया गया है। अब देखो संवाद लेखन के कुछ भी आधार भी हैं, आप लोग अपने किताब में देखना, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूं बोर्ड पर कि किताब में ये सारे बिंदु जो मैं जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं दिया हुआ है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि संवाद लेखन के कुछ विभिन्न आधार भी हैं। क्या है वो आधार, यानी अनेक आधारों पर संवाद लिखे जा सकते हैं। मैंने चर्चा के क्रम में भी इन सभी चीजों का उल्लेख किया है। अब वो आधार कौन कौन से हैं देख लो, आप लोग बोल रहे स्थितियों के आधार पर, मैंने स्थितियां या परिस्थितियां कैसी है उसके आधार पर संवाद हम लिख सकते हैं। दूसरा है संकेत बिंदुओं के आधार पर, कई बार संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं। अब मान लो कि एक विषय दे दिया गया बाढ़ की विभीषिका के आधार पर लिखिए, यानी बाढ़ की विभीषिका को जो आप लोगों ने दृश्य देखा है उस पर एक संवाद लिखिए, या दो मित्रों के बीच की बातचीत को लिखिए या संवाद को लिखिए। दूसरा है संकेत बिंदुओं के आधार पर, कुछ संकेत दे दिए जाएंगे आपको, उन संकेत बिंदुओं के आधार पर क्या करना है, बातचीत कर लिखना है, संवाद लेखन लिखना है। तीसरा जो है कहानी या घटनाओं के आधार पर, मान लो कोई एक कहानी या घटना दे देगी, बोले इससे क्या सीख मिलती है आपको, या इसके माध्यम से आपने क्या सीखा, या आप क्या महसूस करते हैं, या इस कहानी के माध्यम से क्या उपदेश या संदेश दिया गया है। फिर पठित साहित्य के आधार पर, मैंने जो भी साहित्य अभी मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे वो क्षितिज हो, कृतिका हो, या व्याकरण जो हो, इन जो विषयों पर चर्चा हो रही है, इसके पर जो पठन पाठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो इसमें से कोई एक विषय उठाकर दे दिया गया। मान लो पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा था सांवले सपनों की याद, मैं एक उदाहरण के लिए पाठ ले रहा हूं, तो सांवले सपनों की याद में सालिम अली का ही चरित्र ले लो आप लोग, तो सालिम अली के चरित्र से या व्यक्तित्व से या उनका व्यक्तित्व कैसा था, किसी भी विषय को लेकर हम लोग बातचीत कर सकते हैं या उस पे लिख सकते हैं। अब तुम बोल सकते हो कि सालिम अली के व्यक्तित्व से कितने प्रभावित हुए थे, अपने मित्रों से बातचीत कर सकते हो, या दूसरे मित्र कह सकते हैं कि वास्तव में सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी हम लोगों ने नहीं देखा है,
या वहाँ पे फ्रीडा लॉरेंस या लॉरेंस की जो बात हो रही है, जहाँ पे कहा गया है कि फ्रीडा लॉरेंस उनकी पत्नी कहती है ना, लॉरेंस की पत्नी, कि मुझसे अच्छा तुम मेरे पति के बारे में मेरे छत पे बैठने वाली गौरैया बता पाएगी, तो इन संदर्भों में बातचीत कर सकते हो। या दो बैलों की कथा है, ये सभी साहित्य से संबंधित विषय जो पढ़ा है हम लोगों ने, वहाँ पे जो मानव विषयक मूल्य उभारने का जो प्रयास किया है दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने, ये भी चर्चा का हमारा विषय हो सकता है कि जहाँ हम मनुष्य अपनी मनुष्यता या मानवता भूलते जा रहे हैं, कैसे दो बैलों में वो मनुष्यता या मानवता देखने को मिलती है या आत्मीयता देखने को मिलती है। हम मनुष्य कैसे स्त्रियों का सम्मान करना भूल जा रहे हैं, लेकिन वह हीरा के भीतर यह है भावना है, वो मोती को समझाता है कि स्त्रियों पर हाथ उठाना या स्त्रियों पर अत्याचार करना पुरुष जाति को शोभा नहीं देता। तो ये कई जो नीति विषयक मूल्य प्रेमचंद जी ने जो उस पाठ में उभारा है, इसके अलावा मित्रता से लेकर सभी विषयों पर चर्चा हो चुकी है पूर्व की कक्षाओं में। तो अब यहाँ पर क्या है, ये विषय हमारा एक साहित्य का है, चर्चा का विषय हो सकता है, संवाद का विषय हो सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पे अनावश्यक विस्तारों से बचना है। मैंने बार बार कहा अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दो बैलों के माध्यम से नीति विषयक मूल्यों को लेकर, तो हमारा विषय केंद्र विषय वस्तु वही होनी चाहिए, बाकी कहानी के में नहीं जाना है हमें। बोले पठित साहित्य के आधार पर काल्पनिक संवाद भी कर सकते हो। मैंने कई बार क्या होता है कि कई ऐसे साहित्य होते हैं, कई रचनाएं होती हैं जहाँ पे यथार्थ यानी वास्तविकता का चित्रण होता है, वहाँ पे कोई समाधान नहीं दिखाया जाता। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सत्य क्या होता है, कड़वा होता है, सत्य को स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या कर चाहते हैं, उसका निष्कर्ष चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम निकले। और देखना जैसे ही, चलो मैं अब आप लोगों से संबंधित विषय पर ही चर्चा करता हूँ। जब भी किसी सीरियल को आप लोग देखते हो या कोई फिल्म देखते हो, आप लोगों को खुशी कब होती है, जब नायक की जीत होती है तब, या जब खलनायक की जीत होती है तब, जब सत्य की जीत होती है तब, या जब असत्य की जीत होती है तब, जब अधर्म की जीत होती है तब, या जब धर्म की जीत होती है तब। सबका उत्तर एक ही होगा, धर्म की जीत पर, सत्य की जीत पर, नायक की जीत पर। यानी जो भी फिल्म हम लोग देखने के लिए जाते हैं, या वेरी गुड, उत्तर भी जल्दी जल्दी आ जा रहा है, सत्य की जीत पर, ये सब धर्म की जीत पर, वेरी गुड। यानी जब इन सभी चीजों को जीत मिलती है, जब विजय प्राप्त होती है, तब क्या होता है, हमें खुशी मिलती है, तो हम चाहते हैं तो निष्कर्ष। आप लोगों के उत्तरों से स्पष्ट हो गया कि आप लोग सभी अंततः निष्कर्ष चाहते हो, उसका समाधान चाहते हो। तो यहां पर क्या है कि मान लो कहीं पर अगर वास्तविकता दिखाया गया है, यथार्थ को दिखाया गया है, वहां समाधान नहीं दिखाया गया, तो हम लोग क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अच्छा बताओ, अभी आप लोगों ने टर्म वन दिया है, तो सबने तो एक कल्पना की होगी कि ये जो टर्म वन असेसमेंट हुआ था अभी आप लोगों का 50 मार्क्स का, तो सबकी कल्पना क्या होगी कि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे प्राप्तांक आएंगे, यही कल्पना किया होगा आप लोगों ने। किसी ने 50 की कल्पना की होगी, 49, 48, मैंने सभी लोग की कोशिश यही होगी कि हम लोगों के 45 से अबव मार्क्स है, तो ये भी तो एक कल्पना है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि हम मनुष्यों को किसी भी चीजों को लेकर कल्पना करनी चाहिए या नहीं, इसका उत्तर मुझे चाहिए अभी आप लोगों से, चैट बॉक्स के माध्यम से बताओ, हमें किसी विषय को लेकर कल्पना करनी चाहिए या नहीं, कल्पना करना उचित है या अनुचित है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, करना चाहिए, वेरी गुड, अर्पित का उत्तर है ये, शुभम भी लिखा है चाहिए, और बाकी आप लोग, बाकी 6 लोग और बचे हुए हैं, क्या रिप्लाई है, करना चाहिए, वेरी गुड, करना चाहिए, सहेली का मैंने, आप लोग मुझसे सहमत हो क्या, बाकी लोग कक्षा में नहीं है क्या, सिर्फ अभी मुझे अभी तक सहेली का, अन्वेषा 2, शुभम 3, अर्पित 4 का ही उत्तर मिला है। और बाकी आप लोग 4 लोग कहाँ हो, 8 लोगों को मैं कक्षा में देख रहा हूं,
ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने वीडियो क्लिपिंग ऑन कर लिया है और फिर कक्षा चल रही है और आप लोग साइड में आराम से अपने दूसरे कामों में मग्न हो? राज कहाँ हो? नहीं सर, चलो प्रियांशु का उत्तर आया। नहीं करनी चाहिए कल्पना? प्रियांशु, मेरा प्रश्न था कल्पना करनी चाहिए नहीं? नहीं? हाँ सर, करनी चाहिए। अभी उत्तर आ गया। यानी कल्पना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना कल्पना के उसको वास्तविकता के धरातल पर हम नहीं उतार सकते हैं। क्योंकि जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे तो उसे वास्तविकता के धरातल पर उतारेंगे कैसे? अब एक चीज बताओ, आप लोग अगर अपने लक्ष्य को, अपने सपने जो है, सपना भी कल्पना से उसका संबंध है, नहीं निर्धारित करोगे तो फिर उसका पूरा करने के लिए आगे कैसे बढ़ोगे? प्रेरणा कहां से मिलेगी? आज जिस माध्यमों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए, पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए, किसी ने तो इसकी कल्पना की होगी, किसी ने तो इन विषयों को लेकर सोचा होगा और उसी का परिणाम है कि इस विकट परिस्थिति में भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस विद्यालय प्रांगण का प्रयोग हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, या आप लोग जहां पर आते हो पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए, किसी व्यक्ति विशेष ने तो इसकी कल्पना की थी, तभी तो आज इस विद्यालय की स्थापना हुई है। तो कल्पना प्रत्येक चीजों के लिए आवश्यक है। तो संवाद लेखन में कई बार ऐसे विषय भी दिए जाते हैं जहां पे कहा जाएगा आपसे, चलिए मैं विषय बता ही दे रहा हूं, मान लो भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज की आप कल्पना कीजिए, यह है आपका संवाद लेखन का विषय। आप लोग लिखो इस विषय पे और लिखकर मुझे ये पोर्टल में भेजो। मैंने जो विषय दिया, भ्रष्टाचार या आतंकवाद, दोनों विषय पे आप लोग लिख सकते हो या किसी एक विषय पे भी लिख सकते हो, से मुक्त समाज की कल्पना या से मुक्त समाज। चलो कल्पना शब्द भी मैंने अभी हटा दिया। ये विषय मैं आज आपको कक्षा में दे रहा हूं, इस विषय पे आप लोग संवाद लेखन लिखोगे। दो मित्रों की बातचीत को दिखाओ, यहां पे दो से अधिक मित्र भी रख सकते हो, तीन भी रख सकते हो। तो यहां पर क्या करना है, आप लोगों को इस विषय पे लिखना है, किस पे? भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज। अब मान लो जब इस विषय पे मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहा हूं आप लोग को, संकेत बिंदु कुछ दे दे रहा हूं, कि जैसे ही हम लोग इस विषय पे लिखने जाएंगे, क्या हमें ये पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि हमारा समाज जो है, हमारा देश जो है, इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा? कठिन कार्य है ना, मुश्किल कार्य है, लेकिन क्या हम ऐसा आशा नहीं कर सकते? हमारे भीतर ये विश्वास नहीं रह सकता है क्या? हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं? देखो मैं एक संकेत बिंदु यहां पर अभी दे दिया। यहां पर क्या है कि हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम अगर इन चीजों को बंद नहीं करेंगे तो इससे हमारा समाज का पतन ही होगा। हम समाज में दिन प्रतिदिन पिछड़ते चले जाएंगे। और इससे हमारा देश जो है कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा। ये मैंने कुछ संकेत आप लोगों को दे दिए, इस आधार पे, इस विषय पे आप लोगों को लिखना है। मैं यहाँ पे विषय लिख भी दे रहा हूं।
भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, लग रहा मुझे बोर्ड, मैं और नीचे लिख दे रहा हूं। क्या है भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद को लिखिए। के बीच हो रहे संवाद को लिखिए भी लिख सकते हैं हम लोग, और स्पष्ट कर दे रहा हूं प्रश्न में। आप लोग लिख लो पहले ये कि भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज विषय पर दो मित्रों के बीच हो रहे संवाद को लिखिए। ये प्रश्न है, अभी ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, अभी 9 का कोई डेट नहीं दिया गया है अर्पित, दे दिया जाएगा बाद में आप लोगों को। अभी ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा है अभी भी। भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज विषय पर दो मित्रों के बीच हो रहे संवाद को लिखिए। दिख रहा है तो मुझे कुछ उत्तर मिल रहा है, दिख रहा है और किसी नहीं दिख रहा है। संगम क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ, जैसे अभी मुझे रिप्लाई आ रहा है सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, संगम नहीं दिख रहा है, शुभम बोल रहा है दिख रहा है, उसके अर्पित को भी दिख रहा है, अनिवेशा दिख रहा है, स्नेहा भी बोलिए दिख रहा है सर,
अर्पित भी बोल रहा दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिखो कि भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज विषय पर, भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज विषय पर दो मित्रों के बीच हो रहे संवाद को लिखिए। भ्रष्टाचार संगम लिख लो, मेरी आवाज जा रही है ना। भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज विषय पर दो मित्रों के बातचीत को या दो मित्रों के बीच हो रहे संवाद को लिखिए। यह है हमारा प्रश्न। मैं अब वो संकेत बिंदु भी लिखा दे रहा हूं, संकेत बिंदु भी लिख लो। मैंने संवाद लेखन के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है वो बिंदु भी मैं लिखा दे रहा हूं। संवाद लेखन समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, संवाद लेखन समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या देखो। सभी बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर दी थी लेकिन फिर भी लिखा दे रहा हूं।
भाषा जो है विषय और पात्रानुकूल हो, जिस पे मैंने चर्चा की थी। अगर इसमें से कोई भी बिंदी किसी को असमंजस हो समझने में या कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मुझसे आप लोग बोल सकते हो। पहला है संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो, जैसे मैंने विषय क्या दिया है, भ्रष्टाचार या आतंकवाद से मुक्त समाज। विषय पर क्या है, दो मित्रों के बीच हो रहे संवाद को या बातचीत को लिखना है। दूसरा क्या है, संवाद छोटे स्वाभाविक और रोचक हो। जब आप लोग लिखोगे दो मित्रों की बातचीत को तो वो संक्षिप्त होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वाक्य, यानी अनावश्यक विस्तार जिस पर मैंने कही थी बात से बचना चाहिए। स्वाभाविकता उसमें झलकनी चाहिए, कहीं कोई बनावटीपन जैसा नहीं हो। जैसे मैंने दो बिंदुओं पे वहां पे बताई थी, चर्चा की थी कि क्या है कि आशा और विश्वास पे ही क्या है पूरी दुनिया टिकी हुई है। चाहे जितना अधर्म बढ़ जाए, असत्य बढ़ जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, आतंकवाद बढ़ जाए, लेकिन इसी समाज में धर्म भी है, सत्य भी है, अच्छे इंसान भी हैं और देशभक्त लोग भी हैं। आज हम लोग सभी लोग जो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, किसके कारण जी रहे हैं? अगर चारों तरफ क्या, अगर पूरी तरह से समाज भ्रष्टाचार से लिप्त रहता तो क्या ऐसे समाज की कल्पना हम कर पाते? कई उदाहरण कक्षा आठवीं में ही आप लोगों ने पढ़ा था, घटना को याद कीजिए आप लोग। तो क्या था घटना कि जब बस का कंडक्टर जब बस से उतर कर चला जाता है तो लोगों को क्या लगता है वहां पर कि कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है डकैतों से है, चोरों से है, वो उसे बुलाने गया है। वो लोग जो बस का ड्राइवर है या जो हेल्पर है उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता क्या हुई, जब उधर से वो आता है तो मिस्त्री को लेते हुए और बस में चूंकि कुछ छोटे बच्चे थे उनके लिए दूध और खाने की सामग्री लेते हुए आता है। दो घटनाओं का वहां पर लेखक ने जिक्र किया था, एक घटना दूसरी घटना से भी आप लोग भली भांति परिचित हो गए। क्या बात है संगम, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मुझे सहेली का, राज, प्रियांशु, अर्पित सबका चैट बॉक्स में रिप्लाई मिला कि सर सब कुछ ठीक है। एक बार आप अपना स्काइप अपडेट कर लो संगम। देखो सुहेड भी रिप्लाई दे रहा है, सुहेड सब लोग प्लीज ग्रिड व्यू कर लीजिए, टॉप मोस्ट राइट बटन को प्रेस करके हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। सुहेड का भी रिप्लाई है, अर्पित का भी यही रिप्लाई है। देखो प्रियांशु भी बोल रहा है सर ठीक है, शुभम बोल रहा है सर ठीक है, सुहित भी ठीक बोल रहा है, स्नेहा का भी रिप्लाई ठीक है। संगम कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही है या डेस्कटॉप में। देखो मुझे चारों तरफ से रिप्लाई यही मिल रहा है ठीक है। सुहेल मैं ठीक हूँ। देखो अन्वेषा का भी रिप्लाई है सर ठीक है। देखो वो लोग जो बोल रहे हैं ग्रिड व्यू पे क्लिक करके देखो। एक्सेप्ट संगम, बाकी सबका ठीक है। नहीं हो रहा है संगम, सिस्टम चेक करो अपना एक बार।
चेक्ड, ओके ठीक है। तो अगला बिंदु पे हम लोग आए कि संवादों में प्रवाह होना चाहिए तथा उनका आपस में संबंध होना चाहिए, यानी जो भी संवाद हम लोग करेंगे उसमें एक क्रम होना चाहिए, मैंने वो निश्चित जो क्रम है वो टूटना नहीं चाहिए। यानी जब आप लोग उस विषय पे लिखोगे तो ये बिंदु भी ध्यान में रखना कि मान लो कि भ्रष्टाचार पे लिख रहे हो तो भ्रष्टाचार पे लिखते हुए हम लोग आतंकवाद पे नहीं चले जाएंगे, या आतंकवाद पर संवाद लिखते हुए भ्रष्टाचार पर नहीं चले आएंगे, या भ्रष्टाचार पर बातें करते हुए किसी प्रकार के किसी दूसरे राजनीति से संबंधित विषय हो या कोई अन्य विषय हो उस पर नहीं चले जाएंगे। यही बोल रहा है कि संवादों में प्रवाह होना चाहिए तथा उनका आपस में संबंध होना चाहिए। फिर चार नंबर बिंदु जो है, भाषा जो है विषय और पात्र के अनुकूल हो, माने मित्रों की जब बातचीत हो रही है तो जैसे लगे कि वो चरित्र में पूरी तरह से वो दोनों मित्र जो है उनके चरित्र में वो विषय समाया हुआ है, माने वास्तव में उस विषय को लेकर वो लोग चिंतित हैं या उस विषय पे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। औपचारिकता अपेक्षित नहीं है, औपचारिकता अपेक्षित नहीं है, माने औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है यहां पे। औपचारिकता जो है वो किसी प्रकार से अपेक्षित नहीं है, माने अब यहाँ पे हाँ नमस्ते मित्र, मित्र नमस्ते, कैसे हो, सब ठीक ठाक है, तो घर में सभी लोग ठीक है, तो मम्मी पापा दीदी भैया, अब इन सभी चीजों को संवाद लेखन में कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी को कहते हैं कि किसी प्रकार के यहाँ पे अब अंततः फिर ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं, तुम सदा खुश रहो, अच्छे तरह से रहो, माता पिता को अपने मेरे नमस्कार कहना, भैया दीदी को भी प्रणाम कहना, छोटे भाई बहन को मेरा आशीर्वाद देना, इन सभी चीजों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों के प्रयोग से बचना है, यानी औपचारिकता की आवश्यकता यहाँ पर संवाद लेखन के दौरान नहीं होती है। मैं ऊपर के कुछ बिंदुओं को मिटा रहा हूँ, ये नहीं अभी बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को। अगला जो बिंदु है, आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबंधों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब उसमें आत्मीयता रखना चाहिए। मान लो चाहे वो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार पे जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जो मेरे शब्दों का प्रयोग हम लोगों का जो होगा उसमें लगे कि वास्तव में हम इससे दुखी हैं, हमें देश के विकास की चिंता, समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग के लोग हैं जो क्या हो रहा है कि अगर ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा तो क्या है, उनको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए या उनकी कुछ जो ऐसे कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए उनके पास उतनी सामर्थ्य या क्षमता नहीं है। मान लो एक सरकारी कार्यालय में कोई जा रहा है, एक वहां जो पैसे वाला जाएगा तो पैसे देकर अपने काम करा लेगा, यानी वो भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे दे रहा है। लेकिन जो एक गरीब व्यक्ति है,
जो किसी प्रकार अपना भरण पोषण करता है, अगर उसे भी उसी तरह से किसी कार्य के लिए अगर पैसे देने की नौबत आ जाए तो बेचारा कहाँ से कर पाएगा। तो जब हम शब्दों का प्रयोग करके, मान लो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे कथनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा, तब यहाँ पे हमारी वो आत्मीयता नजर आ रही है उस वर्ग के लोगों के लिए, उस तबके के लोगों के लिए, कि उनका क्या होगा, उनकी देखभाल या उनका भविष्य कैसा होगा। क्योंकि इन सभी चीजों से भली भांति अभी अवगत हो गए आप लोग कि क्या वर्तमान में स्थिति है। मैं ऊपर की कुछ बिंदुओं को मिटा रहा हूं। अब देखो, इस बिंदु पे भी मैंने चर्चा की थी कोष्टक मीन्स ब्रैकेट। अब देखो, पात्रों के हाव भाव विचार विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्टक में लिख देना चाहिए, मैंने ब्रैकेट में मैंने जब लिख रहे हैं। अब मान लो कि जैसे ही बातचीत हो रही है कि जैसे ही मैं किसी अधिकारी को या किसी सरकारी कर्मचारी को घूस लेते हुए देखता हूं या पैसे लेते हुए देखता हूं, मेरी इच्छा होती कि तत्काल उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए, उसे या तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जैसे ऐसे कथनों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो देखना, फिल्मों में या सीरियलों में या मंच पे जब नाटक वगैरह जब प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है, वहां पे वो शरीर से, वो जो नाटक करने वाला जो व्यक्ति है उसके अभिनय से ये सभी चीजें झलकती हैं, उसके अभिनय में ये सारे भाव देखने को मिलते हैं। तो जब हम लिखेंगे तो कहां नजर आएंगे, वहां वो ब्रैकेट में हम लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे कि उस समय वो गुस्से में है जब वो किसी अधिकारी को या किसी सरकारी कर्मचारी को या ऐसे कोई भी व्यक्ति विशेष को इस तरह के गलत कार्य करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आता है, वो इन चीजों को लेकर क्रोधित हो जाता है। कई बार दुख की स्थिति भी होती है कि इन्हें सरकार की तरफ से ये सारी सुख सुविधाएं सब कुछ मिल रहा है, या राजनेताओं को लेकर कि ये तो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने गए नेता है, बावजूद इनके कि वो लोगों का ख्याल रखे, वो क्या करते, सिर्फ अपनी पॉकेट भरने पर तुले हुए हैं। मैंने नेताओं की स्थिति भी क्या है, बरसाती मेढकों की तरह होती है, जानते ही है आप लोग, जब चुनाव का समय आता है तो सभी आ जाते हैं, जैसे बरसात जैसे ही होता है तो सारे मेढक बाहर निकल आते हैं और धीरे धीरे बरसात जैसे ही खत्म होता है कम उनकी संख्या देखने को मिलती है। उसी प्रकार राजनेताओं की भी होती है, जब चुनाव का समय आता है तो देखना बड़े बड़े वादे प्रलोभन देना आरंभ कर देते हैं, वो बार बार आना शुरू कर देते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, और एक बार जीत जाए, जीत कर गद्दी पर काबिज हो जाए, देखना उसके बाद उनके दर्शन नहीं होते। तो जैसे ही ऐसे कोई भी कथनों का प्रयोग जब हम करेंगे तो हम कोष्टक में लिख देंगे कि किन स्थितियों में कर रहे हैं,
उनकी इन गतिविधियों से हमें दुख हो रहा है या क्रोध हो रहा है, जिन भी स्थितियों से हम गुजर रहे उस समय लिखने के दौरान या जिस भावना को अभिव्यक्त करना चाहते हैं उस स्थिति का हम वहाँ पर उल्लेख कर देंगे। तो यही है पात्रों के हाव भाव विचार विभिन्न मुद्राओं, ये है मुद्राओं आदि को कोष्टक में लिख देना चाहिए। अगला बिंदु है जो मैंने कहा था, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या है, एक चिन्ह का प्रयोग किया है यहाँ पर, देखो ये तो सब किसके प्रयोग है, मात्राओं का प्रयोग है। यहाँ पे देखो योजक चिन्ह, यहाँ देखो अल्प विराम, यहाँ देखो पूर्ण विराम, यहाँ पे है पूर्ण विराम, यानी जहाँ पे जिस तरह के देखो यहाँ पे भाषा के बाद जो है प्रत्येक जगहों पे चिन्हों का क्या हो रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो उसी प्रकार जब आप लोग लिखोगे संवाद लेखन, तो जहाँ पे अल्प विराम होगा, जहाँ पे अर्ध विराम होगा, जहाँ पे पूर्ण विराम होगा, वहाँ पर क्या करना है, उन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये संवाद लेखन के कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी जो लिखने के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, जिसको पहले मैंने विस्तार से पढ़ाया था, उसका एक विषय देने के बाद फिर से मैंने उन बिंदुओं को लिखा भी दिया है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही संवाद लिखने की आवश्यकता है। संवाद लेखन को लेकर अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो वो मुझसे वो पूछ सकता है प्रश्न, किसी के मन में कोई भी प्रश्न। किसी के मन में कोई प्रश्न है? किसी के मन में किसी इस विषय को लेकर कोई प्रश्न, संवाद लेखन को लेकर, या कहीं असमंजसता की स्थिति? नहीं सर, वेरी गुड। तो मैं ये बोर्ड साफ कर दे रहा हूं, सभी का लिखना हो गया है। तो आज आप लोगों का व्याकरण भी क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक पार्ट बचा है प्रेमचंद के फटे जूते, वो दिलीप सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो अब जो अगली कक्षा में जो हम लोग आएंगे, तो मैं कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगा, जहां पर व्याकरण से संबंधित जिन जिन विषयों पर चर्चा हो गई है उन विषयों से संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसका जवाब अब आप लोगों को देना है, चाहे वो विषय संवाद लेखन से संबंधित हो, अलंकार से संबंधित हो,
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, मैंने जिन विषयों पे मैंने चर्चा आप लोगों के साथ कर ली है या जिन विषयों पे चर्चा हो चुका है, किसी भी एक विषय को लेकर अगली कक्षा में जब भी लाइव आप लोगों को लूँगा तो आप लोग उस दिन तैयार रहोगे, हम लोग उन विषयों पर चर्चा करेंगे, मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोगों की तरफ से मिलना चाहिए। चलो मैं पहले दिन आप लोगों को एक मौका दे दे रहा हूँ कि पहला जो कक्षा जो प्रश्नोत्तरों का होगा वो होगा अलंकार, ठीक है? तो अलंकार से संबंधित प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा अगले लाइव क्लास जो भी मेरी होगी उसमें। आप लोग तैयार रहोगे तो आज की कक्षा में आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं है, सभी को विषय स्पष्ट हो गया है, वेरी गुड, थैंक यू। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।